इवेल्युएट द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, चैप्टर नंबर 8. साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2. और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2. प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2. एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2. तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. √3 × √3 3 होता है, 2 × 2 = 4. प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 = 4. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 1 मतलब एक बार लिखेंगे कॉमन चला जाएगा. तो 3 + 1, तो 3 + 1 क्या होता है? 4 अपॉन में 4, ये कैंसल आउट हो गया, 1 आ गया आंसर. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन है 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°. तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. 2 tan² 45° का वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया. प्लस cos 30° का वैल्यू क्या है? √3/2. तो ये भी स्क्वायर में हो गया क्योंकि cos² 30° बोला है. माइनस sin² 60° मतलब sin 60 का वैल्यू क्या है? √3/2. ये भी स्क्वायर में चला गया. इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया. √3 × √3 3 होता है. एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर अगेन 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4. फिर यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर में और यहाँ भी 4 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे. तो 1 × 4 4 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3, और 4 कॉमन चला जाएगा, तीनों में 4 ले लिया तो एलसीएम लेके, इज इक्वल टू 2 4 + 3 7 माइनस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2 7 - 3 4 होता है, अपॉन में 4 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर 2 आया इसका.